आज हमारी हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण लेसन फार्मिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। फार्मिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। इसमें सबसे स्मरणीय बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम में आपको सुविधा प्राप्त होगी। तो आइए बताते हैं। फर्स्ट, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी हिंद फौज का प्रयास 1946 में रॉयल, लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन नेवी का विद्रोह, देश की विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन आशाओं के प्रतीक थे। तो वहीं हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का बंटवारा भीषण मोहभंग का क्षण था। सेकंड पॉइंट है, हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीति प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। भारतीय इतिहास, थर्ड पॉइंट है, भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में लग गए। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। सभा में होने वाले बहस विभिन्न अखबारों में छपते थे और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। मुस्लिम, फाइव पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के शुरुआती बैठकों यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का बहिष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के थे। सिक्स पॉइंट है, संविधान सभा में कुल 3 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन 6 सदस्यों में 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त विविधता भी, और अम्बेडकर, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सेवन पॉइंट है, संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इनमें से एक बीएन राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकारी एसएन मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। एट पॉइंट, संविधान सभा का प्रारूप बनाने में कुल मिलाकर 3 वर्ष 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इस दौरान इन चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 बड़े खंडों में प्रकाशित हुए। 9 पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संभू प्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछले व जनजातीय क्षेत्र व दमित व अनेक पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए गए। पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। 11 पॉइंट है, संविधान सभी सभा उन लोगों के लिए आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जाती थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, न्याय, समानता, भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ
गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, तब वे सामाजिक न्याय की अलख जगा रहे थे। उसी समय स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार की मुहिम चलाई थी। ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों का बीड़ा उठाया। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, न्याय, समानता भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। 13 पॉइंट है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बहस हुई। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं जैसे आर वी धुलेकर, सरकार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूर आदि के ने इसका कड़ा विरोध किया और इस देश के लिए घातक बताया। संविधान सभा में एन जी रग्गा तथा जयपाल सिंह ने आदिवासियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्हें आम आदमी के स्तर पर लाने और सुरक्षा प्रदान करने की जोरदार वकालत की। एन जी रंगा ने कहा, अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र से असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। 16 पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निवारचिकाओं की मांग की थी, जिसका गांधी जी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। 70 पॉइंट, संविधान सभा में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर हुई बहस में अधिकतर सदस्यों ने मजबूत केंद्र का ही पक्ष लिया और विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 18 पॉइंट, राज्यसभा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा समिति ने यह सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। 19 पॉइंट है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बहस हुई। दलित जातियों के लिए अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों पर भी चर्चा हुई। 20 पॉइंट है, संविधान सभा में दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में और विपक्ष में हुई बहसों के नतीजन और सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया। 21 में है, राष्ट्रभाषा को हिंदी को लेकर बहुत बहस हुई तथा यह तय किया गया कि परस्पर समायोजन होना चाहिए। 22 है, आर वी धुरेकर जी हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रबल पक्षधर थे। 23 पॉइंट है, केवल 2 बातों पर ही आम सहमति थी, वे थे वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान के केंद्रीय अभिरक्षर हैं। 24 पॉइंट में, संविधान सभा में चर्चाएं हमेशा जनमत में प्रभावित होती थी, इसके लिए अखबार, रेडियो तथा प्रचार का सहारा लिया गया। 25 में, संविधान की विशेषताएं आती हैं, लिखित व लचीला संविधान, केंद्र व राज्य शक्ति विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय प्रणाली, शक्तिशाली केंद्र, वयस्क मताधिकार तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य आदि शामिल थे। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं। तो फर्स्ट है, भारत के संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए तर्कों की परख कीजिए। इसे बहुत ही छोटे शब्दों में बनाएंगे बच्चों, इसे आप बड़ा बना के लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसे बताएंगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर संविधान में बहस, इसमें क्या क्या हुआ था? फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में। सेकंड, उनका मत था कि विभाजन के मद्देनजर दुर्बल केंद्रीय व्यवस्था के लिए हानिकारक। थर्ड है, दुर्बल केंद्र शांति स्थापित करने में, सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए आवाज उठाने में अच्छा। फोर्थ है, संविधान के मसविदे में विषयों की 3 चुनौती
सूचियाँ थी, केंद्रीय सूचियाँ, राज्य सूचियाँ और समवर्ती सूचियाँ। फाइव पे केंद्रीय सूची में अन्य सूचियों के मुकाबले बहुत अधिक विषय। सिक्स बी आर अम्बेडकर एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र के पक्षधर। सिक्स ए बी आर अम्बेडकर एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र के पक्षधर। सेवन हिंसा के माहौल को देखते हुए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर बल। एट संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा की धरी। नाइन एक शक्तिशाली केंद्र समय की मांग। टेन देश के हित में योजना बनाने के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने हेतु जटिल शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए। इलेवन विभाजन से पहले कांग्रेस प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर सहमत। ट्वेल्व मुस्लिम लीग को भरोसा दिलाने के लिए सहमति। थर्टीन है परंतु बंटवारे के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों के विचार में बदलाव। फोर्टीन हिंसा की घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा। फिफ्टीन संविधान में भारतीय संघ के राज्यों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की तरफ स्पष्ट झुकाव। सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, संविधान सभा के अधिकतर सदस्य भारत में पृथक निर्वाचिकाओं के रूप विचार के विरोधी थे, इस कथन पर प्रकाश डालिए। इसके मुख्य आंसर इस प्रकार हो सकते हैं, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की व्याख्या उनके अधिकारों पर बहस, ये हम पॉइंट के रूप में लिखते हैं आंसर, इसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फर्स्ट है 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पुकर बहादुर द्वारा पृथक निर्वाचिका के पक्ष में प्रभावशाली भाषण। सेकंड है राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो। थर्ड देश की शासन व्यवस्था में मुसलमानों की सार्थक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका एकमात्र रास्ता। फोर्थ पॉइंट है ज़्यादातर राष्ट्रवादियों का पक्ष पृथक निर्वाचिका की तरफ नहीं। फाइव यह अवस्था अंग्रेजों की भारतीयों को बंटवाने के लिए एक चाल। सिक्स आर वी धुलेकर का मत यह संरक्षण के नाम पर अंग्रेजों द्वारा खेला गया एक खेल था। सेवन पृथक निर्वाचिका की आड़ में अल्पसंख्यकों को फुसलाया गया। एट विभाजन के पश्चात राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के बिल्कुल खिलाफ। नाइन इससे निरंतर गृह युद्ध दंगों और हिंसा की आशंका। टेन सरदार पटेल के अनुसार पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो देश की पूरी राजनीति में समाहित। इलेवन इसे समुदाय में नफरत पैदा कर राष्ट्र के टुकड़े किए गए। ट्वेल्व देश में शांति बनाए रखने के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ना उचित। थर्टीन गोविंद बल्लभ पंत के विचार या अल्पसंख्यकों के लिए भी अहितकर। फोर्टीन यह मांग अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से दरकिनार करेगी। फिफ्टीन समुदाय के रूप में सोचने की बजाय प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के रूप में सोचे। सिक्सटीन खंडित निष्ठा का भय जिसका अंत एक कमजोर राष्ट्र के रूप में। सेवनटीन मुसलमानों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका की आवश्यकता। संविधान क्वेश्चन थ्री जो है इस प्रकार आ सकता है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, कौन से छह सदस्य सर्वाधिक भूमिका महत्वपूर्ण हैं, उनके विचारों संविधान में उनकी भूमिका क्या थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पांच या छह पॉइंट में समझाएंगे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, कितने सदस्य थे 300। फर्स्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण छह सदस्य थे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के सदस्य थे। थर्ड विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री जैसे कि बी आर अम्बेडकर, दो वकील गुजरात के एम मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत, भारत के झंडे का प्रारूप नेहरू द्वारा, राष्ट्रीय ध्वज के सरिया सफ़ेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा, बीच में एक गहरे रंग का चक्र।
सेकंड बल्लभ द्वारा पर्दे के पीछे रहकर कार्य कई रिपोर्टों के प्रारूप तैयार किए। परस्पर विरोधी विचारों के मध्य सहमति बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष बने। सभा में चर्चाओं को रचनात्मक दिशा दी देना इनका मुख्य कार्य था। सभी सदस्यों को विचार रखने का मौका देना इनका मुख्य कार्य था। फोर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। फाइव वकील के एम मुंशी व अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर बी आर अम्बेडकर के साथ मिलकर संविधान के प्रारूप में विधि का पक्ष संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है, संविधान में उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसको बहुत छोटे से आंसर में कर सकते हैं विभिन्न पॉइंटों में जिसे आप लोग बना के कर सकते हैं। तो समझाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड में आ सकता है। एन जी रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। इन्होंने इसमें 7-8 पॉइंट दिए हैं उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट है ऐसी परिस्थितियों के निर्माण करें जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग हो। सेकंड पाकिस्तानी प्रांतों में हारने वाले हिंदू सिख मुस्लिम ही केवल अल्पसंख्यक नहीं बल्कि आम आदमी जनता पार्टी अल्पसंख्यक थे। थर्ड संविधान समस्त अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम हो। फोर्थ रंगा अल्पसंख्यकों को सहारा की जरूरत, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। फाइव देश के मुसलमान अल्पसंख्यक भी पोकर बहादुर की दलील, राजनीतिक व्यवस्था मंग के अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की मांग। सेवा संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम, शैक्षिक अधिकार, भाषा व संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29-30 में विशेष प्रावधान, सभी धार्मिक भाषाई तथा सामुदायिक अल्पसंख्यक देश के प्रत्येक इकाई में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए स्वतंत्र, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, जिसके मुख्य कारण थे। अब हमको आपको गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हर साल बोर्ड में आता रहा है, इस बार भी आने की आशंका है। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस चलती रही। इसमें क्या क्या बहसें थी, मुख्य है कांग्रेस का मानना कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हो। सेकंड गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा ऐसी हो सबके द्वारा आसानी से समझी जाए। थर्ड हिंदू और उर्दू के बीच हिंदुस्तानी का निर्माण। फोर्थ विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध एक साझी भाषा। फाइव बहुसांस्कृतिक व विभिन्न समुदायों के बीच संचार के लिए आदर्श। सिख हिंदुओं और मुसलमानों तथा उत्तर दक्षिण के लोगों को एकजुट करने में सक्षम। सेवन हिंदुस्तानी ना तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो ना फारसीनिष्ठ उर्दू। एट दोनों का सुंदर मिश्रण हो। नाइन दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को अपने में समा ले लें। टेंथ विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी ग्रहण करें। 11 मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच को अभिव्यक्त करें। 12 हिंदुस्तानी के साझा चरित्र सांप्रदायिक टकराव के साथ फीका। 13 हिंदी को संस्कृत निष्ठ और उर्दू को फारसी निष्ठ बनाने की कोशिश। 14 आरवी धुर के द्वारा हिंदी को संविधान सभा की भाषा बनाने पर जोर। 15 तीन साल तक भाषा का मुद्दा संविधान सभा में चला। 16 12 सितंबर 1947 को धुलेकर के भाषण से हंगामा। 17 संविधान सभा के भाषा समिति द्वारा सुझाव। 18 देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा माना जाए। 19 धीरे धीरे इसे राष्ट्र भाषा बनाया जाए। 20 पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल। 21 प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार। 22 संविधान सभा के
भाषण समिति द्वारा विभिन्न पक्षों को राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर शांत करने के लिए प्रयास 23 या दोनों का सुंदर मिश्रण हो 24 दूसरी भाषा के शब्दों को आसानी से ग्रहण कर सकें 25 विदेश भाषाओं के शब्दों को भी अपने में संभालें 26 मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समूचे को अभिव्यक्त करें 27 हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था। संविधान सभा में केंद्र और राज्य के अधिकारों को लेकर चर्चा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चर्चा आई हुई, क्या व्याख्या हुई, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्याख्या कीजिए, संविधान सभा में केंद्र और राज्य अधिकारों को लेकर क्या चर्चा हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे शब्दों में बहुत कम समय में समझाते हैं। फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में, सेकंड, संविधान के मसविदे में विषयों में 3 सूचियां, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। थर्ड, पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन। फोर्थ, दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अधीन। फाइव, तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी। सिक्स, संघों की तुलना में केंद्र का अधिक विषयों पर नियंत्रण। सेवन, समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा। एट, खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर केंद्र का नियंत्रण। नाइन, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र को राज्य के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार। टेंथ, संविधान में राजकोषीय संघवाद को की भी एक जटिल व्यवस्था। इलेवन, सीमा शुल्क व कंपनी कर में से लग्न होने वाले आय केंद्र सरकार के अधीन। 12, आयकर और अबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों में बांटी गई। 13, राजस्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों के अधीन। 14, जमीन और संपत्ति पर बिक्री कर, बोतल बंद शराब पर राज्य सरकार अलग से कर वसूल कर सकती थी। अम्बेडकर द्वारा दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग। फर्स्ट, गांधी जी द्वारा पृथक निर्वाचिका का विरोध। सेकंड, दमित जातियों का स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाने की आशंका। थर्ड, अस्पृश्यता का हल केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल संभव नहीं। फोर्थ, दमितों की अपूर्णता, जातीय विभाजित समाज और नैतिक मूल्य मान्यताओं के कारण। फाइव, जे नागप्पा का कथन, संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं। सिक्स, आबादी में उनका हिस्सा 20-25%। सेवन, शिक्षा से विहीन तथा शासन में हिस्सेदारी नहीं। एट, के जे खांडेलकर, दमितों को हजारों सालों से दबाए जाना। नाइन, सुझाव अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। टेंथ, हिंदू मंदिरों तथा सभी जातियों की पहुंच। इलेवन, निचली जातियों को विधायकों गांव और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ट्वेल्व, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता। बच्चों, अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।